हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन पैटर्न लाए हैं। ये पैटर्न हमारा 8 फंदों में बनता है, तो 8 + 8 + 8 करके आप फंदे ले लीजिए। 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। कोई भी बॉर्डर पैटर्न बनाने के बाद आप ये पैटर्न डाल सकते हैं। इसमें हमने देखिए कितने फंदे लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 34। टोटल हमने इसमें 34 फंदे लिए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालने, कोई भी बॉर्डर पैटर्न बनाने के बाद आप ये पैटर्न डाल सकते हैं। ये पैटर्न हमारी सीधी साइड से बनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो कैसे बनती है, ध्यान से देखिए। इस तरह से हम एक फंदे को उतारेंगे, उनको आगे लाना है, 2 फंदे उल्टे बनाने, 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। इसके बाद उनको पीछे ले जाएंगे, एक फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 4 फंदे सीधे बनाए, एक फंदा फिर उतारना है, फिर उनको अपनी साइड लाना है, 2 उल्टे पीछे ले जाएंगे, एक फंदा उतारना है, फिर 4 सीधे बनाने हैं। ये देखिए 4 फंदे हमने सीधे बना लिए, एक फंदा हमने उतार लिया, फिर एक फंदा उतारना है, उनको आगे लाना है, 2 उल्टा बनाना, फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। पीछे ले जाएंगे, एक फंदा इस तरह से उतारेंगे, फिर आगे लाके 4 फंदे सीधे बनाने, 4 फंदे सीधे बनाए, एक फंदा उतारा हमने, 4 फंदे सीधे बन गए, एक फिर से उतारना है, आगे लाएंगे, 2 उल्टे पीछे ले जाना है, एक फंदा इस तरह से उतारना है, फिर 4 सीधे बनाए, 4 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उतारना है। ये हमारा एजिस्टिक वाला फंदा, इसको इस तरह से बीन देंगे। पीछे से देखिए, एक फंदा उतारा, जो फंदा हमने उतारा है उसको पीछे से भी उतारना है, 4 फंदे उल्टे बनाने, 3, 4, 4 फंदे उल्टे बनाए। हमने जो फंदा उतारा था उसको इस तरह से उतार लेंगे, आगे ले जाके 2 फंदे पीछे से सीधे, फिर अपनी साइड लाना है, एक फंदा उतारना है, जो फंदा हमने आगे से उतारा है, 4 उल्टे, 3, 4, 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर एक फंदा ये उतारा वाला है, इसको उतार लेना है, आगे ले जाएंगे, 2 पीछे से 2 सीधे, फिर अपनी साइड लाना है, एक फंदा उतारना है, 4 उल्टे, 4 फंदे उल्टे बनाने, फिर एक फंदा उतारना है, आगे ले जाके 2 सीधे, फिर अपनी साइड लाना है, फंदा उतारना है, 4 उल्टे, फिर एक फंदा इस तरह से उतारना है, आगे ले जाएंगे, 2 उल्टे, फिर अपनी साइड लाके एक फंदा सीधा, ये देखिए सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो को भी फर्स्ट रो की तरह ही रिपीट करना है हमें। एक फंदा उतारा, 2 फंदे उल्टे पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को फिर से उतारना है, फिर 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे,
फिर इस फंदे को इस तरह से उतार लेना है, अपनी साइड लाएंगे, दो उल्टे पीछे ले जाना है, जो फंदा हमने उतारा था उसको उतारते जाना है। चार सीधे, उतारा वाला फंदा हमें बार बार उतारते जाना है, फिर दो उल्टे, फिर पीछे लगाएंगे, एक फंदा जो उतारा वाला है उसको उतार लेंगे, बाकी चार सीधे। फिर उतारेंगे फंदे को, आगे लाएंगे, दो उल्टे, पीछे ले जाना है, फंदा उतारना है, चार फंदे सीधे। यह स्टिक है, इसको पीछे से बना लेंगे। ये देखिए तीसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई, फोर्थ रो। ध्यान से देखिए, पीछे से वही रिपीट करना है, सेकेंड रो को जो फंदा उतारा है उसको उतारते जाना है, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो सीधे, फिर उतारेंगे फंदे को, चार उल्टे, फिर फंदा उतारेंगे, आगे ले जाएंगे, दो सीधे, फिर अपनी साइड लाना है, एक फंदा उतारना है, चार उल्टे। फिर एक फंदा उतारेंगे, आगे ले जाएंगे, दो सीधे, अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उतारना है, चार उल्टे। चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदा उतारना है, आगे ले जाके दो फंदे सीधे। चार सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए पांचवी सिलाई, पांचवी सिलाई में हमारा पैटर्न बनेगा, तो ध्यान से देखिए, एक फंदा उतारना है, उनको अपनी साइड लाना है, दो फंदे उल्टे, पीछे ले जाएंगे, ये जो फंदा हमने उतारा है इसको हमें इन दो फंदों के बीच लाना है। यहाँ पे इस फंदे को, जो उतारा हुआ फंदा है इसको हमें यहाँ बीच में लाना है, तो इसको इस तरह से नीचे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे सीधे बनाए, इस फंदे को यहाँ बीच में बनाएंगे। ये फंदा हमने बीच में ला के बीन लिया, फिर इस फंदे को हमें यहाँ बीच में लाना है, जो किनारे पर हमने फंदे उतारे थे उसे इस तरह से बीन लेंगे, फिर इन दो फंदों को बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा एक पैटर्न बन गया, एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर अपनी साइड लाएंगे, दो फंदे उल्टे, पीछे ले जाना है, इस फंदे को इस तरह से नीचे उतारेंगे, दो फंदे बनाएंगे, फिर इसे बीच में लाके इस तरह से बना लेंगे। फिर ये वाला फंदा जो हमने उतारा है इसको पहले बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद दो फंदे ये बनाएंगे। ये देखिए हमारा दूसरा पैटर्न बन गया। फिर अपनी साइड लाना, दो उल्टे, पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को नीचे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर इस फंदे को बीच में लाएंगे, सीधा बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा जो है इसको इस तरह से सिलाई फंसा के आगे लाएंगे, फिर इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे। ये देखिए हमारा तीसरा पैटर्न बन गया।
फिर अपनी साइड लाना है दो फंदे उल्टे, फिर इसको इस तरह से नीचे करेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर इस फंदे को बीच में ला के सीधा बनाना है, फिर ये वाला फंदा जो हमने साइड में उतारा है इसको बीच में लाना है, उसके बाद ये दो फंदे बना। ये देखिए हमारा एक पैटर्न बन गया, बन के कुछ इस तरह से आ गए। अब हमें चार सिलाई फिर से वही रिपीट करनी है, पीछे से पहले हम उल्टा बना लेंगे, छह फंदे उल्टे दो फंदे सीधे करते हुए छठी सिलाई कंप्लीट करनी है। छठी सिलाई में हमें छह फंदे उल्टे पीछे से दो सीधे, इस तरह से सारा फंदा बना लेंगे। ये देखिए छठी सिलाई कंप्लीट हो गई। सातवीं सिलाई में हमारा फर्स्ट जो सिलाई थी वही रिपीट होनी होगी। तो देखिए रिपीट रो, फर्स्ट सिलाई में यानी जिस तरह से हमने पैटर्न को बनाया है वही हमें रिपीट करना है। एक फंदा उतारेंगे, दो उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, फिर से एक फंदे को इस तरह से पहले फंदे को उतारना है, फिर चार फंदे सीधे, चार फंदे सीधे, फिर इस छठे फंदे को हमें उतार लेना है, उनको अपनी साइड लाना है, दो उल्टे पीछे ले जाएंगे, फंदे को उतारेंगे, चार सीधे बनाएंगे, चार सीधे, फिर एक फंदा उतारना है आगे लाके, दो उल्टे पीछे ले जाके फंदे को उतारेंगे, चार सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे आगे लाएंगे, दो उल्टे पीछे ले जाएंगे, एक फंदा उतारना है, चार फंदे सीधे पीछे, फिर एक फंदा उतारेंगे। सातवीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए आठवीं सिलाई को हमें सेकेंड वाली दूसरी सिलाई जैसे बनाए थे वही रिपीट करना है। चार सिलाई हमें यही रिपीट करते जाना है। एक फंदा उतारना है पीछे से, आगे से भी पीछे से फंदे उतारने हैं, चार फंदे आगे से सीधे जो बीने हैं उसको पीछे से उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे आगे ले जाके दो सीधे, चार सिलाई हमको यही रिपीट करना है। पांचवी सिलाई में हमारा पैटर्न फिर से रिपीट होगा। एक फंदा उतारना है, चार फंदे उल्टे, फिर फंदा उतारेंगे, फिर आगे ले जाके दो सीधे, फिर अपनी साइड लाना है, एक फंदा उतारना है, चार उल्टे, फिर फंदे उतारेंगे आगे ले जाएंगे, दो सीधे, फिर अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उतारेंगे, चार उल्टे, दो सीधे, आठवीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई। दो सिलाई हमें यही रिपीट करना है, उसके बाद हमारा पैटर्न बनेगा। ये देखिए हमारी चार सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई है। अब पांचवी सिलाई हमें रिपीट करनी है, जो हमने यहाँ बनाया था पैटर्न वही हमें फिर से रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, एक फंदा उतारना है, दो फंदे उल्टे बनाना है, उनको पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को इस तरह से नीचे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा बीच में इस तरह से
ला के सीधा बनाना। फिर ये लास्ट वाला जो हमने फंदा उतारा है इधर, इसे बीच में लाना है, इस तरह से सीधा बनाएंगे। उसके बाद ये दोनों फंदे बना लेंगे। बना लिए, ये देखिए एक हमारा पैटर्न ऐसे बनते जाएगा। फिर दो फंदे उल्टे पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा, फिर इसे बीच में ला के सीधा बनाएंगे। फिर ये लास्ट वाला जो फंदा हमने उतारा है, इसको इस तरह से सिलाई में फंसाना है। पहले बनाएंगे इसको, फिर ये दो फंदे सीधे बना लें। दूसरा पैटर्न हमारा बन गया। फिर वही रिपीट करना है, सारे प्रोजेक्ट में हमें यही रिपीट करते जाना है। इस फंदे को नीचे करेंगे, दो फंदे सीधे, इसे बीच में लाएंगे, इस तरह से सीधा बनाएंगे। फिर इस वाले फंदे को जो हमने उतारा था, इसे इस तरह से सिलाई में फंसाना है। पहले बनाएंगे, फिर ये दो फंदे सीधे बना लेंगे, फिर तीनों को इस तरह से स्लिप कर देंगे। तीसरा पैटर्न हमारा बन गया, ये देखिए। फिर दो उल्टे, फिर एक फंदा उतारना है, पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, इसे बीच में लाएंगे। फिर ये लास्ट वाला फंदा जो हमने उतारा था, उसको आगे लाना है बीच में, फिर दो सीधे, फिर ये वाला फंदा सीधा। ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनता जाएगा। बस यही रिपीट करते जाना है। पीछे से हमें छह फंदे उल्टे दो सीधे करते हुए कंप्लीट करना है। फिर चार सिलाई हमको वही रिपीट करना है, दो फंदे हमें उतारने हैं, चार फंदे सीधे, आगे से दो उल्टे, पीछे से दो सीधे, कंप्लीट करते हुए पैटर्न अपना बना लेंगे। ये देखिए बनने के बाद हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा। आप इसे कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू।